हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस करते हैं। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना आपके साथ एक अलग कनेक्शन फील करते हैं, सोल कनेक्शन है और स्ट्रांगली टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। इनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ना एक अंधेरे की एनर्जी है, अंधेरे की एनर्जी, जैसे एक निराश, जैसे ना जैसे अंधेरा छाया हो, जैसे फ्यूचर ही नहीं दिख रहा हो, ना कुछ उम्मीद नजर आ रही हो, एकदम ऐसे एकदम डिप्रेस एनर्जी फील हो रही है इनको। जैसे ना कुछ पता है कि क्या होगा, ऐसा एक वक्त था जैसा लगता ना कि ये हो जाएगा, एक वक्त के बाद हो जाएगा, बट एक होता ना एक होप होता है, वो होप नहीं है इनको, वो होप नहीं है। इन्हें लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये होप भी क्यों उनसे छीन रहा है, उनसे ये होप भी छीन गया है। इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अभी खोया है, बहुत कुछ खोया है, और वो खोने का सिर्फ इंसानों में गिनती नहीं है, लेकिन एक विश्वास खोया है, एक साथ खोया है, एक सम्मान खोया है, रिस्पेक्ट खोया है। अगर ये ठीक से एनालाइज करें ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये वही चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे छीनी थी या आपको नहीं दी थी, वही चीज़ें हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में प्यार खोया है, तो वो आपको भी खोया था, या आपसे छीना था, या आपको जिस तरह से झूठ बोला था, या जो भी है, तो इन्होंने वो प्यार खोया है, इन्होंने वो विश्वास खोया है। अभी इनके ऊपर विश्वास करने लायक इंसान नहीं है आसपास, या फिर ये किसी के ऊपर विश्वास करे ऐसे आसपास लोग नहीं हैं। इन्होंने सम्मान खोया है, रिस्पेक्ट। इन्होंने ना लिटरली अभी ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ना इनका रिस्पेक्ट, सम्मान वो दांव पे लगा है, या तो खो चुके हैं समाज में हो, या आसपास के लोगों में हो, या वर्क प्लेस पर हो, या घर में हो, सम्मान खो चुके हैं, रिस्पेक्ट खो चुके हैं। और सेम चीज़ जैसे इनकी वजह से शायद आपकी बदनामी हुई आपकी तरफ, ऐसा कुछ है ना कि आपके ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं, या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते कि आप ऐसे इंसान से जुड़े हो, या ऐसे इंसान के लिए वेट करे, या उम्मीद करे हो, या विश्वास करे हो जो विश्वास के काबिल नहीं है जी, या तो आपको वो धोखा दे चुका है, ऐसे इंसान से जुड़े हों। प्यार, सम्मान, विश्वास, ट्रस्ट, ये सारी बातें, यही चीज़ें अटक गई है इस दोनों के इस सोल कनेक्शन में। हार्ट चक्र ना दोनों का भी ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह ओपन नहीं। ट्रस्ट इश्यूज दोनों को भी हैं। ट्रस्ट इनका आपके ऊपर इसलिए नहीं है कि अजीब सा डर लगता है, क्या आप किसी भी रीज़न से, आप जब बोल रहे हो कि आप इनके साथ हमेशा रहोगे, क्या 100% सही है? मतलब ये कुछ तो हो सकता है ना किसी के लिए, तो किसी सिचुएशन के लिए तो शायद, मतलब हो सकता है ना कि पेरेंट्स के लिए, हो सकता है कि बच्चों के लिए, या अपनी शादी के लिए, या अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, हो सकता है कि आप ना बोलो, इनका साथ ना दो, और वो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी साथ तो नहीं होगा ना, एक विश्वासघात नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन इन्हें वो चीज़ चाहिए, इन्हें किसी का साथ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खड्डे में गिरे हैं, इन्हें अगर ऐसा लगता है ना कि अगर ये
उठाया नहीं गया तो वो कोई नहीं हुआ। और ये आवाज़ दे रहे हैं जो खड्डे में से गिरे हैं ना, आवाज़ दे रहे हैं अपनी मदद के लिए कि कोई बचा ले, कोई मदद करे कुछ। लेकिन ऐसा लगता है ना कि लोग आसपास से गुजर रहे हैं लेकिन इनके पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इनकी आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये बार बार आपका आवाज़ लगा रहे हैं क्योंकि इनकी आखिरी और पहली उम्मीद हमेशा आप ही हो। हो सकता है कि शुरू में इन्होंने आपको आवाज़ ना दी हो, वो इसलिए क्योंकि ये किस मुंह से आपको आवाज़ दे। शायद किस वक्त खड्डा इन्होंने भी तो खोदा था या आपको भी तो खड्डे में डाला था, या फिर इनकी वजह से आप अनजाने में से ही खड्डे में तो गिर गए थे। प्यार, रिस्पेक्ट और सम्मान जो बात है ना, वो बहुत गायब है। बट ऐसा लग रहा ना कि ये उजाला होगा, सन की एनर्जी आएगी, सन आएगी। अंधेरे के बाद वो सवेरा होगा सही, बट वो पेशेंस, वो वेट करना करना पड़ेगा। इनकी तरफ से ना पेशेंस ख़त्म होते जा रहा है क्योंकि जिस तरह से ये निराश हो रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा। आपकी तरफ उम्मीद बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ उम्मीद बहुत ज़्यादा है। टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसे कि एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपने आप में ना बहुत ज़्यादा विश्वास की कमी, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा है और एक अपनी गलतियों का एहसास भी है। लेकिन जिस तरह से इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है ना, आपको याद कर रहा है, याद भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और एक कनेक्शन है ना वो अभी स्ट्रांगली फील कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये चाहे भी तो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये चाहे भी तो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर ली है, सब कुछ कर लिया लेकिन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपकी तरफ भी वैसे उतनी नहीं है बट है तो सही। कहीं 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 ना कहीं ऐसा है ना कि जब भी इंसान का दिल दुखता है, ये किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों और कैसे आपको ना वो अंदाज़ा लग जाता है, आपको फील होता है, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको बेचैनी होती है। इनकी जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो परेशानी की एनर्जी है, जो दुख की एनर्जी है, आप इजीली फील कर पाते हैं, इजीली, क्योंकि ये इंसान जब तकलीफ़ में होता है, अकेला पड़ जाता है, विश्वास खो देता है या जो भी सिनेरियो है, तभी आपको ही याद करता है, आपको ही याद करता है। अभी तो सवाल है कि ये इंसान सिर्फ दुख में याद करता है, सुख में नहीं, तो यही तो बड़ी बात है क्योंकि सुख के टाइम फाइनेंसेस अच्छे हो, ये हो, रिश्ते अच्छे चल रहे, ये सब कुछ जैसे आसपास साथ में होता है उस स्टेबिलिटी के लिए, उस फाइनेंसेस के लिए, उस पैसों के लिए, और हर चीज़ जैसे अच्छा हो रहा है ना तो सब आसपास है। लेकिन जब बुरा होता है, बुरा होने लगता है, धीरे धीरे से लोग है ना आसपास से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं, और ये चीज़ देख लिया है। अचानक से सॉन्ग सामने फील हुआ कि देखा जमाना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा जहाँ समा, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मेरा ठिकाना तेरी दहलीज है। यस, एग्जैक्टली ये मीनिंग है, ये मीनिंग है इस एनर्जी का, एक लाइकली मीनिंग है इसे। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और हाँ, एक चीज़ बहुत खास लगी कि इन्हें ये भी लगता है कि आप भी इनसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हों, अभी का अभी हो जाए, ये ही हो जाए, ऐसे हो जाए, कब करोगे, क्या होगा, या फिर क्यों नहीं कर रहे हो, ये शायद आप बोले ना बोले बट फील तो होता है, बहुत उम्मीदें हैं और वो भी एक झटके में हो जाए,
अभी तक क्यों नहीं हुई, कितना टाइम में होगी, ये जो आप सवाल पूछते हो या फिर पूछ सकते हो, इस बात का डर इन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है। सच कहूँ तो जो ये सवाल है ना, इसका जवाब इतना आसान भी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। हाँ या ना एग्जैक्टली और क्लियरली कहना आसान तो है, लेकिन इस हाँ और ना के बीच में एक गैप होती है, उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनिशियल इनके ए हो सकता है, पी हो सकता है, एल है, हार्ट काफ़ी ज़्यादा बने हैं, एंड अगेन सेलिब्रेशन की एनर्जी है, फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, और इनिशियल इतने दिख रहे हैं, के भी है, के है, के है, एस है, और ज़ीरो, ज़ीरो की भी एनर्जी। ज़ीरो की एनर्जी है, और जो डेथ का कार्ड है 13 नंबर, वो स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वक्त आएगा और ऐसा कुछ वक्त या ऐसी कोई चीज़ वो देखनी देख सकेंगे, देखनी पड़ेगी। कहा था ना मैंने, ये एनर्जी है एग्जैक्टली जो मैंने कहा था, अंधेरी रात है, अंधेरा है, ऐसे इंसान जैसे एकदम ही खोया हुआ, निराश हुआ हुआ, हताश हुआ, डिप्रेस ऐसा फील कर रहा है, ये एनर्जी है, डेफिनेटली ये एनर्जी है। एग्जैक्टली, टेन ऑफ पेंटिकल्स, इनकी फाइनेंसेस में या रिश्तों में प्रॉब्लम तो है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न फाइनेंसेस का ही है, पैसे, जॉब, बिजनेस, कहीं तो कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट, लॉसेस की फीलिंग है, और जैसे सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है, और ऐसा लगा ना कि जैसे इनका एम्पायर, लाइक ना इन्होंने एक दुनिया बनाई थी, भले भ्रम की हो बट एक दुनिया थी जो पैसे के लिए है, पैसे की वजह से है, कुछ अच्छा जॉब था, बिजनेस था, दोस्त थे, ये वो सब चीज़ था, बट आज पता चला है कि वो दुनिया काफ़ी ज़्यादा फेक थी या झूठी थी या फिर इस कदर कमज़ोर थी कि वो टूट रही है, वो दुनिया टूट रही है, दीवारें उसकी टूट रही है। आपकी तरफ आने की इच्छा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ना कोई दूसरा होप नज़र नहीं आ रहा है, खुद से होप क्रिएट करें या कोई होप क्रिएट करें, इनके पास देने के लिए किसी को वक्त नहीं है और नई एनर्जी, और वो सब चीज़ें सिर्फ आप ही से हो सकती हैं। लेकिन जिस कदर ये आपको छोड़ के गए थे या आपसे मुंह मोड़ा था या आपको कोई बात पे कुछ आश्वासन दे हो या फिर कमिटमेंट दे हो, ये सब नहीं किया था, अभी ये किस मुंह से आपके पास आए और क्या मांगे, क्या मांगे, ये वाली एनर्जी। लेकिन इनका सबसे बड़ा होप आप ही हो और स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा है। ये ज़रूरी नहीं कि बताएंगे अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, बस इनकी आवाज़ से, अंदाज़ से आपको पता चल जाएगा। यस, लेकिन कुछ भी हो जाए, ऐसा लगता है कि जैसे आपसे बात करने से, आपको सुनने से, आपके साथ बात करने से इन्हें ना क्या होप क्रिएट हो जाएगा उन्हें पता नहीं है। तो इसलिए आपसे बात करने की इच्छा या आपको देखने की इच्छा वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो विद इन 6 hours, 8 hours और 6 days, 8 days कॉल मैसेज आ सकता है, और नहीं तो फेक कॉल से भी आ सकता है, लेकिन लेकिन ये आपके लिए ही होगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है जानने के लिए, या फिर अपनी दिल की बात इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशन के थ्रू सही रखने की इच्छा है, रखने की इच्छा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।